फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मैं कुछ प्लेन एयर के कुछ टिप्स लेके आया, कुछ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये कुछ आपको डिस्प्ले होंगे फोटोग्राफ, और कुछ मैं बातें शेयर करूँगा प्लेन एयर के ऊपर। जो मैं 10 बातें मैंने नोट किया है कि आप लोकेशन पे जाते ही जल्दी ना शुरू करें अपना काम। आप हर एंगल को नोट करें, हर एंगल पे जाए, और उस एंगल पे आगे से पीछे से दाएं बाएं लाइट एंड शेडोज को फॉलो करना है, और उस तरह से उसे फिर काम शुरू करने के लिए आप देखना है। अगर कोई आपके साथ आपके सीनियर आर्टिस्ट है तो उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि वो कहाँ से एंगल ले रहा है, किस एंगल से फोटोग्राफ कर रहे हैं, और कहाँ पे बैठ रहा है, उठ रहा है, ये सब आप नोट करें। आपके साथ अगर कोई सीनियर आर्टिस्ट है और प्लेन एयर में आप गए हैं तो ओके। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके जो प्लेन एयर में जब भी आप कंपोजिशन को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके वो कंपोजिशन खड़े होके बेहतर हो रहा है कि बैठ के हो रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, सिलेक्शन के बाद आपको दो चीज बहुत ध्यान रखना है। एक तो हो गया आपके थंबनेल बनाना है। थंबनेल बनाने से आपको प्लानिंग हो जाता है कि आप कहाँ से कहाँ तक क्रॉप करेंगे। और थंबनेल बनाने के लिए आप थोड़ा सा अपने मोबाइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आजकल सभी कर रहे हैं। और उससे भी पहले की ज़माने में जैसे होते थे कि आप इस तरह से कुछ कार्ड को आप बीच में से क्रॉप करके, फिर उसके अंदर से यूं करके आप देख के मतलब उसको क्रॉप कर सकते ज़मीन के ऊपर, मतलब कंपोजिशन के ऊपर। तो कुछ इस तरह से भी कर सकते कि थंबनेल तो बनाना ही है, ठीक है। थंबनेल से क्या होगा, आपका प्लानिंग हो जाएगा। उसके साथ साथ दो दूसरा पॉइंट है इसके अंदर कि आपको रूल ऑफ थर्ड को ध्यान रखना है। रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक आप उसको कंपोजिशन को सजाइए, ठीक है, ताकि और बेहतर होगा, अच्छा होगा। ओके, हाँ, कलर में कोशिश कीजिए कीजिएगा जो क्लाइमेट आप देख रहे हो, जो वहाँ पे जो एटमोसफियर को आप देख रहे हो, सुबह का है, शाम का है, या बादल का है, या सूरज का है, क्या उसमें फील कर रहे हो, उस एटमॉस्फेयर को आप कैच करने की कोशिश करेंगे आपके कलर के जरिए, ठीक है। वो भी बहुत ज़रूरी है, हम स्टडी इसके साथ साथ कलर को भी करेंगे, ठीक है। ओके, आर्ट मटेरियल्स आप जो इस्तेमाल करते हो हर रोज, वही आर्ट मटेरियल्स आप लेके जाना है आपके स्पॉट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप स्टूडियो में अच्छा पेपर में अच्छा कलर के साथ काम करते हो और प्लेन एयर में जाके कुछ भी उठा के लेके गया, तो उसमें आपको रिजल्ट आउट नहीं अच्छा नहीं होगा, तो उसमें और ज़्यादा आपको जब मतलब खुद को बुरा लगेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जो आप स्टूडियो लेवल पे जो काम करते हो और आप जब प्लेन एयर में जाते हो, बहुत डिफरेंट रहता है, बहुत मतलब उतना अच्छा नहीं होता। 50% ना काम होता है कि आपके ऑन द स्पॉट में, वहाँ पे क्राउड होता है, बहुत सारे आपके माइंड में चलता है, बहुत सारे बातचीत आपके कानों में आएंगे, तो ये चीज़ आप करते करते अवॉइड होने लगेगा। धीरे धीरे एक दिन एक समय आएगा कि वो आवाज़ आपके कान में नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये सारे प्रॉब्लम आएगा, तो उतना काम अच्छा नहीं होता जितना आप स्टूडियो में काम करते, ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो आज मटेरियल्स जो आप यूज़ करते हैं रोज, उसी मटेरियल्स को लेके जाइए, मतलब बेहतर लेके जाइए। और उसके साथ साथ जो है आपके सेटअप एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। ऐसा नहीं ब्रश रखा नीचे गिर गया, और कुछ भी आप बैठने का भी लेके जाए, और उसकी स्टैंडिंग आजकल बहुत सारे ब्रांड में ऐसे देखने को मिल रहा है, प्लास्टिक का भी बनाया हुआ है ट्रे वगैरह, और उडेन का भी है, बहुत सारे मटेरियल्स के ऊपर। मेरे के पास भी एक उडेन का है, मैंने सप्लाई कर रहा हूँ आजकल बहुत, मैं कम से कम 150 लोगों को सप्लाई कर चुका हूँ अभी तक, तो काफ़ी अच्छा फीडबैक है। आप भी उसे परचेस कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप करके उसे परचेस कर सकते हैं। प्लेन एयर के लिए वो बेस्ट है, ठीक है, काफ़ी अच्छा स्ट्रांग है। ओके, तो आपके सेटअप अच्छा होना चाहिए। एक चीज़ मैंने अपने जो आर्टिस्ट शहर लोगों से बात किया, मेंटर से बात किया, कि प्लेन एयर के अंदर जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग जो है शहर लोगों से बात करके, और मैं भी थोड़ा सा ऐसे समझा कि सुबह की 9 बजे से लेकर के आप काम शुरू करना चाहिए, कि उसकी जो जो सूरज का एंगल्स है, उसके जो शेडो पड़ता है, वो काफ़ी खूबसूरत रहता है। तो वो 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक मतलब जो है वेस्ट टाइम माना गया है। तो ये सब कुछ बातें था प्लेन एयर के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे बात अच्छा लगा, और आप ये सारे बात को नोट करेंगे
और ध्यान में रखेंगे कि प्लेन एयर में जाने से पहले या प्लेन एयर में जाने के बाद इन सब चीज़ को काम में लाए। तो मैं जानना चाहूँगा, कोई और किसी का कुछ सवाल है क्या? यहाँ पे नीतीश जी है, जननी मैम है, तो कोई भी, मैं थोड़ा सा, मुझे, मैं कई दिन से प्लेन एयर में जा रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ शेयर करूँ। इस तरह से कुछ बातें हैं, बहुत सिंपल बातें हैं, बट हम सोचते हैं कि प्लेन एयर में जाने के बाद कैसे काम किया जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके साथ जो आर्टिस्ट है उनको फॉलो कीजिए, या हम जैसे जो भी काम कर रहे हैं हमारे काम को फॉलो कीजिए, उस रेफरेंस को फॉलो कीजिए कि कहाँ से क्रॉप किया है। तो ये सब चीज़ जो है देखना है, और फोटोग्राफी बहुत सारे करना आपको, ठीक है? ऐसा नहीं गया बैठा काम किया गया, नहीं, आप बहुत सारे फोटोग्राफी करो। फोटोग्राफी से क्या होगा, आपके भी माइंड में थोड़ा सा माइंड काम करेगा, और आप अच्छा बेहतर बेहतर आपको कंपोजिशन कंपोज करने के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? और क्या बात है, कलर की क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है। कलर की क्वालिटी मीन्स, कहने का मतलब नहीं समझा मैं, शायद आप ये बताना चाह रहे हो कि कलर की कौन सा ब्रांड, ऐसा कुछ। तो मैं बताऊं कि वाटर कलर पेंटिंग के अंदर आपके पेपर बहुत ज़रूरी है, उसके बाद कलर तो आता ही है, दोनों चीज़ अच्छा होने से ही अच्छा है। क्योंकि आप जब काम करते हैं, आप जो एफर्ट लगा रहे हैं, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर अगर ठीक से आपने पेपर नहीं लिया, अगर पूरा ना कलर आपने लिया, तो उसमें क्या होगा, वो डल हो जाएगा, तो आपके वो जो फीलिंग है ना, वो डिप्रेशन में जाएगा। तो ध्यान रखिएगा मटेरियल अच्छा हो, है ना, खुद को भी अच्छा लगेगा उसका एकदम, जितना आप एफर्ट लगा रहे हो उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, और कोई सवाल? तो मैं इस वीडियोस को लंबा नहीं करना चाहूँगा, अगर कोई सवाल है तो मैं अपने नंबर जो है 7009162970 पे आप जरूर व्हाट्सअप करें, ठीक है? व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं जो भी है। और एक 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 जो है, और एक बात है कि एक मेरा जो पेज है अचिंत तो हजरा फोटोग्राफी करके एक पेज है, जो भी मैं ये सारे फोटो, तमाम फोटो है, मैं वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप उसे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे रेफरेंस मिल जाएगा, बहुत आराम से आप उसे काम कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है। आप बेझिझक काम कीजिए और टैग कीजिएगा, ताकि और भी भाई लोगों को और सिस्टर लोगों को सब शेयर हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा, ठीक है? और मैं एक आपको जो कलारम के बारे में, तो आपको सब जानते ही है कि कलारम एक जो हम शुरुआत किया है, कला की शुरुआत एक इस तरह से शुरू किया कि हर किसी को इस कलारम के जरिए, हर किसी के लिए एक स्टेज है, एक आपको जगह है इस कलारम के जरिए, ठीक है? तो वो स्टूडेंट्स लेवल से लेकर के प्रोफेशनल आर्टिस्ट या हमारे मेंटर आर्टिस्ट एडवाइजर तक, उनके सबके लिए है कलाराम जो है बनाया हमने, और सबके आशीर्वाद, उसके सपोर्ट प्यार से। तो कलाराम अभी क्या हो रहा है कि ऑन द स्पॉट में काम कर रहे हैं। पिछले ग्रीन वॉश में स्टार्ट किया था हमने पुणे से, फिर हमने वाराणसी में काम किया, वहाँ पे रेसिडेंशियल वर्कशॉप दोनों जगह किया, और कोलकाता में किया हमने जो कुछ मीठा हो जाए आर्ट टूर किया। तो हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे मेंटर लोग, शायर लोग जो जुड़े हुए, बहुत अच्छा उनके सपोर्ट है, और सभी एकदम, हमारा मेन मेन ये एम रहता है कि बहुत ज़्यादा हम सीखने को मिले हमें। सर, वाटर कलर के लिए अच्छी क्वालिटी कौन सा पेपर यूज़ करे? ओके, पॉइंट पे आता हूँ मैं। ओके, दूसरा है कि उसके बाद अभी जो हम जा रहे हैं बूंदी में, तो बूंदी में मैं वाकई बहुत बहुत आभारी हूँ, और बहुत बहुत मैं खुश हूँ ये बात शेयर करने के लिए कि मैं बूंदी का जब मैं पोस्टर शेयर किया, तो दूसरा तीन ही हमारा 50 आर्टिस्ट का वो सीट जो है फुल हो चुका था, कि हाउसफुल हो चुका था, फिर हमें होटल एक्स्ट्रा लेना पड़ा। तो अभी जो है टोटल हमारे जो पार्टिसिपेंट है, जो हमारा आर्टिस्ट, गेस्ट आर्टिस्ट एंड पार्टिसिपेंट को मिला के, हमारे 70 हेड काउंट है अभी जो बूंदी में हम जनवरी में करने जा रहे हैं। और बहुत सारे आर्टिस्ट का जो है वेटिंग भी मुझे मिला है, कम से कम 10 तो मेरे पास है, 10 निशी सर के पास होंगे ऐसे वेटिंग। तो मैं, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लेकर के हम, थोड़ा सा मुश्किल होगा रहने खाने सब कुछ व्यवस्था करके लिए, तो ये थोड़ा सा दिक्कत आएगा, तो जिसके वजह से हमने उसको बढ़ाया नहीं। तो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखिएगा, जब भी इवेंट होता है स्टार्टिंग में आप उसे एनरोल कीजिए, ताकि आपको ठीक टाइम पे आपको आपको मौका मिले, ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम में जिनको मौका नहीं मिला उनको पहले हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है? ओके,
और ये जो काम है हमारा जारी रहेगा, हर स्टेट में हम कोशिश करेंगे, कवर करेंगे काम करने के लिए। और ओके, पेपर की बात आता हूँ मैं अभी, जो रैप एंड वूप का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो आप इस इनके पास आप ऑनलाइन सामान आप परचेज कर सकते हैं। मैं पेपर आज के डेट में 3 पेपर रिकमेंड करूँगा। आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे है तो आप चित्रपट यूज़ कीजिए, आप थोड़ा सा चाहते हैं कि आपके काम को थोड़ा सा अच्छा करना चाहते हो और आप अच्छा कर रहे हो, थोड़ा सा आप चाहते हो थोड़ा मटेरियल्स में इंक्लूड करें, तो आप बाओहोंग ले सकते हैं, ठीक है। और बाओहोंग के बाद आप ले सकते लाना पेपर, ठीक है। उसके ऊपर मैंने नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारे पेपर है उसके बाद मैं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। मैं आज की डेट में 3 पेपर के लिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। एक पेपर है जो चित्रपॉट है, एक आपको है जो बाओहोंग है, और एक है लाना पेपर है, ठीक है। तो मैं तकरीबन इन दोनों पे कोल्ड प्रेस यूज करता हूँ और चित्रपट का जो रफ यूज करता हूँ, ठीक है। थैंक यू जगदीश जी। ओके, कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, या तो मेरे व्हाट्सएप में भी आप पूछ सकते हैं, जो भी है। तो थोड़ा सा प्लेन एयर का कुछ टिप्स मैंने शेयर किया स्टार्टिंग में, तो जिन्होंने अभी नहीं आए तो उसे देख सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। और प्लेन एयर जो बहुत सारे हाउस वाइफ जो है कुछ ऐसे निकाल नहीं सकते, तो उनके लिए भी सलाह दूंगा मैं कि ऐसा नहीं कि बहुत जाके दूर जाके पेंटिंग करना। आप बस करो, आपसे घर से थोड़ा सा 2 कदम बाहर भी बैठ के भी आप कर सकते हैं, आपके घर के ऊपर स्टील लाइफ कर सकते हैं, आपके बैल्कनी में बैठ के आप काम कर सकते हैं। तो ये सारा मौका आपके हाथ में है, तो आप इसे जरूर करें। तो ठीक है, वीडियो मैं लंबा नहीं करूँगा, तो बोर हो जाएंगे आप लोग, क्योंकि कुछ सवाल है तो ठीक है। तो ये जो जो ये जो फोटोग्राफ है आपको मेरे पेज में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पेज में, वो जरूर फॉलो कीजिएगा। और रैप एंड वूप का नंबर भी चाहिए तो मैं आपको शेयर करूंगा ऑनलाइन में। आपको बहुत सारे मटेरियल्स है, अच्छे अच्छे मटेरियल्स हैं उनके पास, तो आप उसे ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और क्विकली डिलीवरी हो रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और यही था, चलो तो ठीक है, थैंक यू। कुछ ना कुछ बातें लेकर के फिर से आएंगी, और मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ बातें शेयर करता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कभी भी मैं आता हूँ, क्योंकि जैसे टाइम मिलता है वैसे आता हूँ। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।